तो दोस्तों JKDS Info YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 49 ईस्ट यानी कि यमाल 600 एक सेटेलाइट के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, एक सी बैंड का सेटेलाइट है और जिसे हम यहाँ पर अपनी 6 फीट वाली बड़ी KU बैंड ऑफसेट डिश में सी बैंड LNB को लगा कर सेट करेंगे। और उसके लिए दोस्तों हमें चाहिए होगा यहाँ पर से एक टेफ्लॉन। तो इसके अंदर आप हमें यहाँ पर से इस तरह से टेफ्लॉन को यहाँ पर से डालना पड़ेगा। तो इसी के रिलेटेड वीडियो है दोस्तों, और टेफ्लॉन कौन सा अच्छा है ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों टेफ्लॉन के लिए। तो टेफ्लॉन के लिए दोस्तों आप यहाँ पर से कोई इस तरह की मोटाई वाला कांच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो मैं ये भी दिखाऊंगा आपको। और तो दोस्तों इससे पहले हमने इससे भी सिग्नल तो कुछ अच्छे खासे मिल ही रहे थे, लेकिन ये जो कांच है इसके मुकाबले इसके सिग्नल अच्छे नहीं, इतने नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा। लेकिन इससे भी अच्छा दोस्तों अगर आप कोई टेफ्लॉन यूज़ करना चाहे तो ये वाला टेफ्लॉन मुझे सबसे बेस्ट लगा है आज की डेट में यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो टेफ्लॉन है दोस्तों ये आपको पुराने वाले जो सी बैंड LNB है यानी कि पुराने जो LNB आते थे हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल एक पोल वाले LNB, तो उसके आगे का हिस्सा दोस्तों ये है। तो ये मैंने उससे कटिंग कर लिया है, तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि ये जो है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो आपने शायद ऐसे पुराने LNB देखा होगा कहीं पर एक पोल वाला, तो इसके ऊपर से दोस्तों ये कुछ इस तरह से होता है। तो मैंने इसे कटिंग करके, तो दोस्तों ये जो पार्ट है हमारे लिए बहुत ही काम का है और टेफ्लॉन के लिए सबसे बेस्ट दोस्तों ये सिग्नल देता है ये। तो चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने MPG 2 में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लगा रखी है, तो आप भी अगर सेट करना चाहें MPG 2 बॉक्स से तो आप ये वाली फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नोट कर सकते हैं। और उसके बाद चलिए हम यहाँ पर से टेफ्लॉन चेक करेंगे कि कैसा सिग्नल हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बिना टेफ्लॉन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमने टेफ्लॉन नहीं लगाया है और इसका जो स्केलर रिंग है वो भी नहीं लगाया है, ऐसे ही दोस्तों ये LNB अभी लगाया है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो कांच वाला टुकड़ा मैंने कट करके रखा है उसको लगाएंगे, ये वाला, और फिर देखेंगे कि सिग्नल कितने मिल रहे हैं, ठीक है। तो 49 यमाल के लिए दोस्तों आपको जो टेफ्लॉन है वो कुछ इस तरह से लगाना है। ऐसे आपको लगाना है यानी कि दो जो पोल है हमारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के दोनों इस साइड में नीचे की साइड में आ जाने चाहिए। ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आ जाने चाहिए। तो इस तरह से हमें इस टेफ्लॉन को यहाँ पर लगाना है। अब देखते हैं यहाँ पर हमें सिग्नल कितने मिल रहे हैं। तो जैसे हमने दोस्तों ये लगाया यहाँ पर सिग्नल जो है वो 30 हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिग्नल है वो हमारे 30 के आसपास मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी हमने यहाँ पर स्कॉलर रिंग नहीं लगाया। तो इसके मुताबिक दोस्तों ये वाला जो स्कॉलर रिंग है वो अच्छा रिजल्ट देगा, तो हम इसको लगाते हैं और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो सिग्नल है वो 37-38% तक सिग्नल, 40 तक सिग्नल यहाँ पर से जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये सिग्नल तो हमारा था इस कांच के टुकड़े का, और अब हम इसे निकाल के इस स्केलर रिंग को यूज़ करेंगे। तो इसे लगाने का तरीका दोस्तों ये है, तो जैसे हमने ये लगाया है उसी तरह से दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरह से इसे लगाना है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के पोल आपको यहाँ बीच में जो नज़र आ रहे हैं उनको इसके
साइड में रखना है, यानी कि इस तरह से, इस तरह से इसे लगाना है। तो चलिए मैं इसे भी लगा देता हूँ। इसे लगाने के लिए आप यहाँ पर से टेप वगैरह लगा सकते हैं। तो अब मैं इसे निकाल लूँगा। तो जैसे हमने इसे निकाल लिया, सिग्नल वापस यहाँ पर से डाउन हो गए, ठीक है। तो अब मैं इसे लगा लूँगा और फिर आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो इसे लगाने के लिए हमें कोई टेप चाहिए होगी। तो इस टेप की मदद से दोस्तों मैं इसे LNB के ऊपर लगा दूंगा। सबसे पहले वापस इसको निकालना पड़ेगा एक बार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हमें इस तरह से लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से इसको टेप चिपका दूंगा। तो मैंने कुछ यहाँ पर इस तरह से लगा लिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर से मैं इसको यहाँ पर से काट लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे लगा दिया है और अभी तक हमने जो स्केलरिंग नहीं लगाया है, अब देखते हैं सिग्नल में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 32-31 तक सिग्नल अभी जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे और हमारा ये वाला जो स्केलर रिंग है उसे लगाएंगे तो कितना सिग्नल यहाँ पर इंक्रीज होता है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मेरा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है, यानी कि यहाँ पर से इसे मैंने आगे ले लिया है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं और आप पोजीशन देख सकते हैं किस तरह से, और जो टेफ्लॉन हमने लगाया था ये कुछ इस तरह से है जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें जो सिग्नल है वो कितने मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट हैं, ये टेफ्लॉन में 51-52% तक सिग्नल यहाँ पर से हमारा जा रहा है। यहाँ पर लगभग 50 के आसपास तो सिग्नल एकदम स्टेबल रह रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमें दोस्तों जो सिग्नल मिलते थे जो 30 के प्लस सिग्नल कुछ मिलते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे सिग्नल दोस्तों मिल रहे हैं हमें ये सेटअप के साथ, ठीक है। तो एक बार फाइनल आप डिश पोजिशन देख सकते हैं मेरी, ये फाइनल डिश पोजिशन 49 ईस्ट YAML 601 के लिए है। अब चलते हैं TV। तो दोस्तों YAML 601 सैटेलाइट के चैनल रिसीव करने के लिए आपके पास T2MI सपोर्टेड बॉक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 6303, जिसके अंदर मैंने T2MI वाला सॉफ्टवेयर कर रखा है। अगर आपको भी ये सॉफ्टवेयर करना है तो सॉफ्टवेयर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप ये वाला सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो पुराने वाला 6303 और 6303 में भी आप ये सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको T2MI वाला जो भी चैनल है वो सारे चैनल रिसीव हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर से कोई भी एक सैटेलाइट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद पुराने TP को डिलीट करके वापस एक बार दोस्तों यहाँ पर ब्लाइंड स्कैन करके देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें कितने चैनल रिसीव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप पहली बार जैसे सिर्फ ब्लाइंड स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो जो चैनल है वो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, यानी कि जो स्कैनिंग में दोस्तों आपको जो चैनल है हो सकता है कि ना मिले। तो ज़्यादातर केस में यही होगा, आप यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप करते हैं, यहाँ पर काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर TP ऐड हो रहे हैं, ऊपर आप देख सकते हैं 3 TP 5 TP ऐड हो रहे हैं, रेडियो में भी कुछ चैनल यहाँ पर से देखने को मिल रहे हैं, और अब जाके यहाँ पर 9 TP ऐड हो गए हैं। यहाँ पर 2 चैनल TSR और RTR प्लानेटा नाम से 2 चैनल अभी तक यहाँ पर से हमें रिसीव हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पर TP जो है वो ऐड होते जा रहे हैं, यानी कि अब 11 TP हो गए हैं और सिग्नल है तभी जाके यहाँ पर से TP दोस्तों स्कैन होते हैं।
तो टीपी यहाँ पर स्कैनिंग हो रहे हैं, लेकिन चैनल जो है वो रेडियो के कुछ हमें 11 चैनल मिले हैं और टीवी के अभी तक हमें 2 ही चैनल मिले हैं। तो चलिए आगे थोड़ा सा स्कैनिंग होने देते हैं, देखते हैं यहाँ पर और कितने चैनल मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे चैनल ना मिले तो टेंशन मत लीजिए, क्या करना है वो भी मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखें, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि अगर आपके बॉक्स में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है, चैनल नहीं आ रहे हैं, तो कैसे आपको चैनल को या इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पर अभी तक 15 TB ऐड हो चुके हैं। चैनल अगर हम की बात करें टीवी चैनल की, तो 3 ही चैनल ही अभी तक हमें मिले हैं। 89% तक हमारा जो स्कैनिंग है वो भी ख़त्म होने वाला है, अभी 90% हो गया है। देखते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा वीडियो को दोस्तों यहाँ पर से स्किप करेंगे और क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है यहाँ पर। तो पूरा दोस्तों मैं आपको डिटेल में दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए ज़्यादा वीडियो को मैं स्किप नहीं करता हूँ, क्योंकि पूरा जो प्रूफ के साथ आपको कोई भी वीडियो जो हमारा है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा जो स्कैनिंग ख़त्म हो गया है और 3 ही चैनल मिले हैं, लेकिन टीपी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर नोट कर सकते हैं, 21 जितने टीपी दोस्तों हमें यहाँ पर अभी तक मिल चुके हैं। तो अब आपको करना है, टीपी लिस्ट में जाना है, जीरो प्रेस करके सारे टीपी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ब्लू बटन प्रेस करके जो सारे टीपी है उनको स्कैन कर लेना है, यानी कि आपको टीपी सारे जितने भी आपको टीपी मिले हैं उन टीपी को आपको स्कैन करना है। तो जैसे आप टीपी को स्कैन करोगे तो आपको जो चैनल मिलना शुरू हो जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक 19 चैनल मिल चुके हैं। अभी भी दोस्तों हमारा स्कैनिंग जारी है और इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा थोड़ा आपको स्किप करके दिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 54 जितने यहाँ पर टीवी चैनल अब मिल गए हैं और अभी भी हमारा जो स्कैनिंग है 60% तक ही पहुँचा है। तो आगे और भी दोस्तों हमें चैनल यहाँ पर से मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पूरे यहाँ पर टोटल कितने चैनल मिलते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर रेन टीवी अगर देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर फ्री टू एयर मिलेंगे, और साथ में कुछ रशियन चैनल है बिल्कुल फ्री टू एयर दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो कौन कौन से चैनल है पूरा कंप्लीट चैनल लिस्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर स्कैनिंग रिजल्ट में हमें यहाँ पर 21 TB हमारा स्कैनिंग हो चुके हैं। अभी तक हमें यहाँ पर 86 जितने चैनल मिले हैं, अभी देखते हैं यहाँ पर 99 ऑलमोस्ट हमारा जो स्कैनिंग ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों हमें यहाँ पर 8